हयाति मुकाम गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आज आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करेंगे। सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए 20 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 1200 खिलाड़ी और दीगर मेहमान गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। खेलो इंडिया मरकजी सरकार की वजारत यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और विंटर गेम्स एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद की जा रही है। मरकजी सरकार ने गुज़िश्ता साल विंटर गेम्स को खेलो इंडिया प्रोग्राम में शामिल किया था। गुलमर्ग को इसकी मेजबानी करने का मौका मिला था। इस बार भी सियाती मुकाम गुलमर्ग को ही मेजबानी करने का मौका दिया गया। इस दौरान सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है। वाज़ह रहे कि कल मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में डेमोंस्ट्रेशन हुआ था, यानी खेलो इंडिया में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने मशाल जलाकर अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया था। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा का। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे, अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर-ए-आज़म खुद इसका इफ्तिताह करने वाले हैं, क्या कुछ वहां पर इसको लेकर जोशो खरोश? देखिए, है ना, इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे किरण रिजिजू पहुंच चुके हैं और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और उनके मुशीर जो हैं फारूक खान साहब और दीगर स्पोर्ट्स काउंसिल के और विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे क्लब के सामने जो तकरीब है और यहाँ पे मुल्क भर के जो 27 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के जो खिलाड़ी है वो ये यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी नेशनल एंथम की भी गाया गया है और उसके बाद यहाँ पे अभी थोड़ी तकारीर हो रही है। इस वक्त सरमद हफीज यहाँ पे अपनी तासुरात का इजहार कर रहे हैं खेलो इंडिया के रिलेटेड और इस तरह यहाँ पे पूरा जोश खरोश नजर आ रहा है और खिलाड़ियों में और खासकर मुकामी लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं और इस तरह गुलमर्ग की इन हसीन वादियों में। और सुबह मैंने बताया था कि यहाँ पे हल्की बर्फबारी भी हुई है और इससे थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आ रहे हैं लोगों को, मगर गुलमर्ग में यह है कि बर्फबारी में ही जो लुत्फ है वो कहीं और नहीं आता है और इस तरह यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब उनके चेहरों पे जो मुस्कान नजर आ रही है वो मुल्क भर के हैं। कुछ लोगों से हमने बात भी की है, वो कह रहे हैं कि हम पहली बार ये इस खेलो इंडिया में यहाँ पे वो हिस्सा ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक अच्छी जगह है, एक खूबसूरत जगह है और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने कहा है। मुनीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिनका इनेकाद यहाँ पर किया जाने वाला है? देखिए, है ना, इसमें बहुत सारी खेलें हैं, जैसे स्कीइंग है, स्नो स्कीइंग है, स्नो बोट है और एटीवी रेस है, यहाँ पे स्नो साइकिलिंग है और कुछ और यहाँ रॉक भी है, अल्पाइन स्की है और भी बेशतर यहाँ पे स्लेज रेस है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी यहाँ पे मुख्तलिफ मुकाबले जो मुनक्कद होंगे और आज जिस जी मुनीर, तो लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।